नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। श्री नैना देवी विधानसभा के चंगर क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 22वें जनमंच का आयोजन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्सी के प्रांगण में 14 फरवरी को किया जाएगा। जनमंच कार्यक्रम की जानकारी देते हुए एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि बस्सी में आयोजित किए जाने वाले जनमंच के सफल आयोजन के लिए 10 ग्राम पंचायतों में प्री जनमंच का आयोजन विभिन्न पंचायतों में अलग अलग दिनों में किया जाएगा। देखिए, सरकार द्वारा जो है 22वां जनमंच, उसके बारे में घोषणा की गई है कि वो 14 फरवरी को जो है हर जिला में होगा। जैसे कि हमारा जिला बिलासपुर में इस बार वो श्री नैना देवी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखा गया है, तो इसके लिए जो जगह हमने जिला प्रशासन के सुझाव के साथ जो सिलेक्ट की है वो बस्सी है। तो ये राष्ट्रीय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बस्सी के प्रांगण में किया जाएगा और इसमें 10 पंचायतें जो है उनको कवर करने जा रहे हैं हम, जिसमें कोटखास, बस्सी, धरोट, टोबा, मजारी, दबट, रोड जामन, लहड़ी, तरसू और ग्वालथाई हैं। तो इन 10 पंचायतों की समस्याओं के बारे में जो है इन पे चर्चा की जाएगी। लोग जो है वहाँ पे पहुँच सकते हैं और जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब जनमंच होता है तो उससे पहले प्री जनमंच गतिविधियाँ की जाती हैं, ताकि लोगों की समस्या का समाधान जो है वो जनमंच वाले दिन से पहले भी किया जा सके। तो उसके लिए जो है शेड्यूल तैयार कर लिया है, विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हमारी जो है बैठक हो चुकी है। 4 तारीख को प्री जनमंच जो है कोटखास और बस्सी पंचायत के लिए पटवारखाना बस्सी में होगा। 5 तारीख को धरोट का ग्राम पंचायत धरोट में होगा और टोबा का पंचायत घर टोबा में होगा। 6 तारीख को ग्राम पंचायत मजारी के लिए गुरुद्वारा शहीदी बाग मजारी में और दबट के लिए पंचायत घर दबट में होगा। इसी तरह फिर 8 तारीख को रोड जामन में पंचायत घर रोड जामन और लहड़ी के लिए प्रांगण शिव मंदिर ढलेत में होगा। 9 तारीख को कंक्लूड करेंगे हम प्री जनमंच तरसू और ग्वालथाई के लिए पटवारखाना इलेवाल में जो है करके। तो आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि जो जो वहाँ पे हम सेवाएं देते हैं, शिकायतों का समाधान करते हैं या लोगों की मांगों पे विचार किया जाता है, तो उन प्री जनमंच में भी भारी से भारी संख्या में आए और जनमंच में भी भारी से भारी संख्या में आए। माननीय मंत्री जी जो है वहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और जो है वहाँ पे जो जो भी समाधान करने लायक समस्याएं होंगी या मांग होंगी उन समस्याओं का निदान किया जाए।